देखिए, सबसे ज़्यादा जागरूकता ही मायने रखता है, और जब आप अवेयर रहोगे, ये लूम हो गया या नेक्सस हो गया या इस सब तरह का जो प्रोडक्ट है क्या। नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं सोलर पैनल स्कैम के बारे में आपको बताऊंगा, जो आपकी आंखें खोल देगी। और आप भी सोचोगे कि ऐसा भी होता है क्या, सोलर पैनल तो लगाना है बट कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए, वीडियो को पहले से ही लाइक और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आरंभ करते हैं। सोलर पैनल लगाने से बिजली बिल से तो मुक्ति मिलती है, लेकिन जब हम मार्केट में रिसर्च करते हैं, मार्केट में लेने जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन ही मिलता है। और कन्फ्यूजन क्या मिलता है, तो कोई जो है बहुत ही सस्ते से सस्ता में सोलर पैनल सिस्टम ऑफर करता है, तो कोई अपना सामान बहुत ही महंगा बताता है। तो कस्टमर यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों है, इस तरह का क्यों है कि कोई इतना सस्ता और कोई इतना महंगा सोलर पैनल सिस्टम बता रहा है। तो ग्राहक सस्ता देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहाँ पे सोलर पैनल सिस्टम सस्ता वाला ले लेते हैं। अब जब ले लेते हैं और उनको जनरेशन वो नहीं मिल पाता है जो उनको होना मिलना चाहिए, तो हम जैसे लोगों को आप बुलाते हैं, हम जैसे ही वहाँ पे देखते हैं उस सिस्टम को, तो क्या पता चलता है, और जो पता चलता है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। जी हाँ, सबसे पहला जो पता चलता है कि सेकेंड हैंड पैनल है। जी हाँ, बी सी डी और पता नहीं जेड ग्रेड के पैनल हैं। थर्ड वन डिफेक्टिव पैनल है, और फोर्थ वन कि कोई ब्रांड का ही नहीं है। यानी इन चारों चीज़ों में से कोई भी चीज़ें यदि पता चलती है, तो आपका आप समझ लो कि आपके साथ बहुत बड़ा लग चुका है। लाइक आप एक तरह से समझ सकते हो कि आपका चूना लग चुका है। और यदि ये चीज़ें आपके साथ हो गई है, तो आप कहीं के नहीं रहते। जैसे आपके साथ ये कांड हो गया, तो आपको ध्यान क्या रखना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे जागरूकता ही काम आएगा, और जो मैंने चार पॉइंट्स बताए उसको यदि आप सही तरीके से चेक कर लेंगे, तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं कर पाएगा। अब सपोज देखिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट पता कर लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग डेट का पता करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप जब प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ होता है, उसको आप क्रॉस वेरीफाई कर लें। जी हाँ, सेकेंड है कि वो डिफेक्टिव है या क्वालिटी चेक में पास हुआ है। क्वालिटी चेक पास किया हुआ हर प्रोडक्ट पे लोगो मिलता है। आप कोई भी प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक खरीदेंगे, उस पर QC का एक सर्टिफाइड बैच आपको ज़रूर मिलेगा, वो आप चेक कर लीजिए। थर्ड है कि सेकेंड हैंड पैनल है या कौन सा पैनल है, वो पता कर लीजिए कि कहीं पे यूज़ तो नहीं किया हुआ है। और फोर्थ वन, यदि कोई बिना ब्रांड के पैनल दे रहा है, जी हाँ, अभी के समय में आपको वेल एस्टेब्लिश्ड गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको ब्रांड के बारे में पता चल जाएगा, और जहाँ पे ब्रांड आपको वेरीफाई कर लेते हैं कि चलो ठीक है, ये नोन है, इसका पता है कि ये यहाँ पे पैनल बनाता है। तो सपोज ये सारी चीज़ें आप चारों पॉइंट वेरीफाई कर लेते हैं, तो आपके साथ ये इस तरह का फ्रॉड नहीं होगा। जी हाँ, इस तरह का फ्रॉड नहीं होगा। अब आप बोलेंगे कि कौन सा ब्रांड, मेरा क्या रिकमेंडेशन रहेगा, तो मेरा एज सच कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। आप ये समझिए कि गूगल पे आप जैसे ही सर्च करेंगे कि टॉप 10 सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, तो काफ़ी सारे नाम आ जाएंगे, और उसमें तीन चार नाम मैं भी बता सकता हूँ आपको, जैसे वारी, अडानी, विक्रम, UTL, इन सब का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, और वहाँ पे सोलर पैनल ये लोग बनाते हैं, और इनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आपको ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएंगे, जहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। अब जब डीलर डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होता है, तो ये लोग जो वारंटी देते हैं उस पर काम भी करते हैं। लाइक कि आपको 25 साल का प्रोडक्ट मिल रहा है, वहाँ पर कभी भी कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो इनके आप सर्विस सेंटर पे कॉल करते हैं, तो वहाँ पे जाके आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। वहीं पे यदि कोई बिना ब्रांड वाला लेंगे, तो आपको कुछ भी पता ही नहीं चलेगा, और आपके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। अब काफ़ी लोग मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं कि ये लूम हो गया या नेक्सस हो गया या इस सब तरह का जो प्रोडक्ट है, क्या इसका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है या नहीं है। तो आपको मैं एक सिंपल ही बता दूंगा कि आप इन सब के वेबसाइट पे जाएंगे तो कहीं पे भी कोई डिटेल इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का नहीं मिलेगा, लेकिन आप अडानी, वारी और इन सब के वेबसाइट पे जाएंगे तो इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का पूरा डिटेल है, और वहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि मेरा इतने गीगावाट का है।
तो अभी के समय में यदि ये लोग नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ये भी एक पब्लिसिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो यदि यहाँ पे नहीं है तो दैट मीन्स कि इनका अभी नहीं है, आने वाले समय में जब भी होगा तो ये लोग डालेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको सोलर पैनल के साथ यदि कोई स्कैम हो रहा है तो उसके बारे में डिटेल में ही पता चल गया होगा। पता चल गया तो आप दूसरे के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सोलर पैनल सिस्टम के साथ जो स्कैम हो सकता है उसको बचा सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो को देखते रहने के लिए, चैनल पर बार बार आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।